देखिए ये पहाड़ की तस्वीर है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए मिस्त्री ये तस्वीर है। हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे दोस्त देख रहे हैं, और ये अब हम आपको इस पहाड़ी के नीचे जिसे कहा जाता है एक बहुत बड़ी झील कपिल धारा, अब हम आपको कपिल धारा के रास्ते लिए चल रहे हैं। ये देख सकते हैं ये कपिल धारा का रास्ता है। जी हाँ, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं देखने के लिए, लेकिन कितनी दिक्कत होती है ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए जंगल का रास्ता, हो सकता है कोई भी जंगली जानवर आपको दिखा जाए, इसीलिए हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर है। ये देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर ये गुफा मिलेगी और जंगली जानवर मिलेंगे। और मैं कुछ लोगों से भी सीधा बात करने की कोशिश करता हूँ लगातार। ये देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, जैसा कि कुछ लोग भी हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उनसे बात करूं। ये देखिए जंगल का ये रास्ता है, कितनी कठिनाई होती होगी यहाँ पर लोगों को आने के लिए, लेकिन श्रद्धा भाव से लोग यहाँ पर आते हैं। ये तस्वीरें कुछ दर्शकों को मैं ये यहाँ की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ से। अब ये कहाँ के लिए रास्ता जाती है ये मैं आपको कुछ कंफर्म नहीं करा सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि यहाँ की भी रास्ता मैं आपको दिखाऊं। जी मेरे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है जो कि बहुत दूर से आते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मीनू खंडेलवाल। तो कहाँ से आप आए हुए हैं? जयपुर से। तो क्या श्रद्धा है यहाँ पर आपकी? शिव जी का मंदिर देखने आए, शिव जी का श्रद्धा है, नर्मदा नदी है, उनका उद्गम है, बहुत अच्छी जगह है। और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तब तक मैं आपको जंगल की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जंगल की ये तस्वीर है, ये देख लीजिए। यहाँ से तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 100 से 150 मीटर की ये ऊंचाई है। और क्या नाम है आपका सर? विपिन खंडेलवाल। कहाँ से आए हुए हैं आप? तो जो जिस तरीके से कितने दिन पहले आप निकले थे? मेरे को 2 दिन हो गए। अच्छा, तो क्या श्रद्धा है आपके अमरकंठक में? बहुत है पर व्यवस्था नहीं है। अच्छा, व्यवस्था है बदल की है। तो क्या चाह रहे हैं आप? यहाँ व्यवस्था सही हो, थोड़ी सी आदमी फिसल रहा है, फिसल रहा है, या फिर कुछ गेस्ट हाउस वगैरह वो सही हो, वाजिब रेट हो यहाँ। अच्छा, कोई वाजिब नहीं यहाँ पे। तो क्या आप सही नहीं है? एक मिनट, दरअसल आपसे एक सवाल है। जिस तरीके के मंदिर कमेटी लगातार दावा करती है कि 200 रुपए में बेहतरीन रूम मिलेगा, क्या आपको ये अवेलेबल नहीं हो पाया? वो उनके मिलने वालों पे भर जाता है, कह देते हैं भर गया पूरा बुक है। और भी मैं कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ की समस्या कुछ श्रद्धालु बता रहे हैं आपको, लेकिन दरअसल में ये तस्वीरें आप यहाँ से देख सकते हैं। लगातार हम कैमरे के माध्यम से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी ये लाइव तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। दरअसल जैसा कि आपको कुछ रुक कर जरूर ये तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि यहाँ जिस जगह हम हैं यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है कुछ स्लो कनेक्टिविटी की वजह से, ये देखिए माताजी इनकी श्रद्धा भाव किस तरीके से है, और लगातार माताजी ये बहुत खुश नजर आ रही है। माताजी कहाँ से आप आई हैं? गोवर्धन। तो क्या श्रद्धा है आपकी? श्रद्धा ये आए हैं इतनी दूर तो दर्शन करके जाएंगे, नई नई जगह देख कर जाएंगे। तो आपको ये नहीं लगता है आप काफी देर से नीचे उतर रहे हैं? तो पर थोड़ा सा कष्ट तो होना ही होगा। देखिए बिल्कुल तौर पर, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो माता जी है इनका साफ शब्दों में कहना है, जब ईश्वर के लिए प्राप्ति करनी होती है तो कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ये मैं और भी सीधी ये तस्वीरें, अब आपको मैं सीधा कपिल धारा के रास्ते लिए चलता हूँ।